बॉय 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 एक्सीडेंट को जन्म जन्म का साथ ए बार खाई है तूने चल बकवास ना कर फालतू सनीदे वाले पी वाटी रे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बहुत ज्यादा डर का माहौल है भाई, बहुत ज्यादा डर का माहौल है इस इंसान की वजह से। मैंने कुछ नहीं करा है भाई साहब, ये विंड डीजल बना हुआ है इस टाइम पहाड़ों पे। तो हम जा रहे हैं हरिद्वार से नीलकंठ। इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देख लिया होगा हरिद्वार तक का व्लॉग। 55 किलोमीटर से पहाड़ों पे चल रहे हैं और हमारी जो गाड़ी है टाटा टियागो वो है CNG। तो कमाल की बात है, पूरी गाड़ी हमने CNG पे चला दी। मैं बता नहीं सकता, ये बंदा भाई अलग ही चीज है भाई। CNG पे पूरी गाड़ी चला के ले आया बिल्कुल ऐसे भाई। यूपी हरियाणा और उत्तराखंड के बंदे ये बोल रहे हैं कि कौन चला रहा दिल्ली में बंदा ऐसी गाड़ी। वो ब्रेक मारते थे सामने से डर के, उल्टे हाथ पे जरा माहौल देखो ऐसा है। और भीनी भीनी फट भी रही है फट तो पूरी रही है बिल्कुल ही हाई है लेफ्ट साइड और राइट साइड है पहाड़ और आ रही है XUV बस कभी कुछ। 30 फुट की रोड है मुश्किल से। आप देख लो एक गाड़ी निकलने की जगह है और इसमें से भाई गाड़ी के सामने एकदम से गाड़ी लग जाती है तो बड़ी दिक्कत हो रही है। टाटा टियागो CNG को आया है टाटा भागो। तो तू सामने देख भाई, सीसन देख रहा था। अबे भाई तू सामने देख यार, लेफ्ट वाले। अच्छा ओके ओके ले कहां ये। हाँ ठीक है वही ठीक था जहाँ भी रखा था ठीक है। भाई देखो देखो भाई देखो खाई ठीक है देख ली मैंने खाई भाई। तू तू सीधी गाड़ी चला यार, तू गाड़ी पे ध्यान दे भाई। ये जाम दिखा रहा था भाई, माहौल बहुत संगीन हो रखा है। और अभी नीलकंठ पहुंचने में हमें लगेंगे 28 मिनट लगेंगे पहुंचने में, 11 किलोमीटर बचे हैं। फट से नीलकंठ पहुंच जाएं 11 किलोमीटर तक, और अभी दिल मुंह में ही रहेगा जब तक ये खत्म नहीं होगी जर्नी। फिर ऊपर वाले के दर्शन करके फिर वो अपना आशीर्वाद बनाएंगे, फिर हम नीचे उतर कर आएंगे जब भी दिल मुंह में रहेगा। खत्म ना जा रहे हैं आगे, ना जा रहे हैं। क्या कीजिएगा भाई, खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो चुका है। इसलिए कहता हूँ मैं बाइक से पहाड़ों पे ट्रैवल मत करो भाई, सही नहीं है तरीके से। चोट लग जाती है भाई तरीके से, चोट से ना। अभी भी आराम से ही चला रहे थे। मैंने लौंडा खींच लाया गाड़ी नीलकंठ। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मूड खराब कर देता भाई ये बंदा भाई। ये अभी यहाँ पे बज रहे हैं आपका 11:30 और धूप ऐसे हो रही है, धूप ऐसी पड़ रही है सर। 2:30 बजे के दिन 2:30 बजे की तो ऊपर का मांस जला देगी, हड्डी हड्डी रह जाएगी। तो चांटे बजते हैं अज अज हाँ यहीं नौकरी कर लेता, हमारे किराया तो सस्ता हो जाएगा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। पहुंच गए नीलकंठ। भोलेनाथ की बहन बोले फाइनली 10 किलोमीटर की लाइन के बाद। जय नीलकंठ महादेव, हर हर महादेव। अब जो घूमेंगे जब घूमेंगे। नीलकंठ के दर्शन हो गए, मम्मी पापा को बैठा दिया था हमने जीप में, वो जा रहे पार्किंग के पास गाड़ी में। तहलाने का क्या मतलब बनता है ऐसे प्लेस में, तीर्थ स्थल पे कुत्ते ला रहे। इनसे अभी कहो खाए पान ले, गाय पलेगी नहीं, कुत्ते पाले खुद खाने को नहीं, कुत्ते को खिला रहे। भाई मेरा मानना है तुम कुत्ते उन्हें खिलाओ बाहर के, मेरे हिसाब से तो बाहर के कुत्तों को भी कहीं ऐसे गवर्नमेंट ऑथराइज 1% लो हर घर से, अगर इतना ही सबका दिल बढ़ा है 0.05% लो सबके घर से और सारे कुत्तों को एक जगह करके पूरा पालन पोषण कराओ, ताकि हाँ जैसे गौशाला में हर एक एनिमल का, ना कि कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो चाहे XYZ कोई भी हो, उसे आजाद घूमने को, क्योंकि उन्हें उन्हें आजादी आजादी ही चाहिए। तुम घर में उन्हें बसा लेते हो फिर तुम्हें लग रहा है कि वो खुश है, बट वो होते नहीं है जानवर। ठीक है, जानवर हमेशा खुला अच्छा लगता है। अगर तुम्हें भी
किसी जेल में बंद कर देना तो तुम भी तड़प के मर जाओगे वहीं पे, तो इससे बेटर है। डिबेटफुल टॉपिक है, इसमें कोई मजा नहीं है। तो मेरे को लगता है कि लड़कियां नहीं, मेरे को तो यही लगता है कि भाई देखो दो चीजें उससे क्लियर होंगे। एक तो ये होता है ना कि किसी को कुत्ते ने काट लिया फिर वो लोग उसे मारने चले जाते, वो चीज खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज ये होगा कि सब अच्छे से पालन पोषण से रहने लगेंगे और हर एक बंदे को ये फील होगा कि हाँ हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यही है बस सिंपल सा, क्योंकि हर कोई एक बंदे पे इतना शायद टाइम नहीं होगा कि हर कोई एक कुत्ते का जाके इतना सारा कुछ कर दे, क्योंकि वो अपने घर में अपने माँ बाप के नहीं कर पा रहा कुत्ते की अगर, तो वो चीज है। रात को निकले थे, सुबह हरिद्वार पहुंचे, वहां नहाए, फिर मनसा देवी गए चढ़ाई करके, वहां दर्शन किए, फिर उतरे, उतर के फिर हम गए नीलकंठ, नीलकंठ भी दर्शन करके अब हम आए ऋषिकेश। तो सारी अब रेस्ट कर रहे हैं। सी प्रभात, मम्मी हमने डबल बेडरूम लिया है, उधर मन्नू भाई ज़ारा वाले कपड़े पहन के हीरो बनना है, और वो पीछे एवरेडी सेल के कंपनी के कपड़े पहन के। हाँ भाई थक गई, अभी तो घूमना है, चश्मा भी लगाना है भाई, पीछे कच्छे जो टंग रहे हैं ऐसे लग रहे हो, तीतर लग रहे हो तीतर। दोनों ने कर दी जिंदगी खराब, लक्ष्मण झूले के पास ले जाके लक्ष्मण झूला नहीं ले जा रहे, अब राम झूले के पास ले जाएंगे तो राम झूला नहीं झुलवाएंगे। क्या चाहते हो भाई, हमारे गाइडेंस के पैसे नहीं दे रहे। अबे गाइडेंस, अबे दो कोड़ी की गाइडेंस है, ये जो ड्राइवर है इसकी तो दो कोड़ी की, एक नंबर की गाइडेंस। मन्नो गाड़ी रोक दे खुद चलाने का, मैं तो चला लूंगा, मुझे क्या है, यहीं से निकले थे अभी, इतने रैपे मारूंगा ना। तो भाई एक बात बताओ, तुम चाहते हो तो यहीं से राम झूले चल लेता, फिर पूरा उल्टा लाया, फिर यहीं लिया, फिर यहीं गया। तो और ये स्विफ्ट वाला भी बेवकूफ लग रहा है, ये भी हमारे आगे घूमे जा रहा है जब से दो घंटे हो गए, इसका कोई दीन ईमान नहीं है। ले लाइट ही बंद कर दिया, बा भाई चला दे यार मन्नू, ये पार्किंग के पैसे बच गए यार, पता नहीं कुछ बचे नहीं। क्यों अब तो मान निकाल तो मांगने लगे, लाओ पर्ची, हम कहीं हमारे तो जुगाड़ी कह देंगे पर्ची को। हाँ कहेंगे तुमने पर्ची दी थी, जो पर्ची नहीं दी तूने, जो कहेंगे ना कितनी देर हो गई, तुमने कहा आगे लगा दे, और हमने कहा लगा, तुमने दी नहीं, कितनी देर हो गई जी, हमें तो जो कहेंगे जी हमें तो यहाँ तक लक्ष्मण झूला वहाँ गलती से राम झूला भी तो आए नहीं। भैया ये लक्ष्मण राम झूला, लक्ष्मण झूला भैया राम झूला के लिए कहाँ पे जाना है, एंट्री कहाँ से राम झूले की, राम झूले की एंट्री ठीक है। अच्छा ओके थैंक यू। लक्ष्मण झूले की लाइट जलवा गई जल्दी, राम झूला सॉरी। अच्छा भाई राम झूला है ना ये, राम जी ने लाइट भगा दी भाई। चोटी वाले रेस्टोरेंट पे आ गए, यहाँ का काफी फेमस रेस्टोरेंट है जो राम झूला पार करने के बाद मिलता है, काफी पुराना रेस्टोरेंट माना जाता है, अभी खा के पता लग जाएगा क्या टेस्ट है क्या नहीं है। मम्मी आपको कैसा लगा, 10 में से अगर आपको रेट करना है तो प्रभात तेरे को सबसे बढ़िया। ओके 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 फाइव। पापा आपको कैसा लग रहा है, पापा 10 में से कितने, ठीक है भाई सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया खाना ही दिल्ली में भाई, दिल्ली आओ वो पेलो, बहुत नाम बड़े दर्शन छोटे टाइप्स मज़ा नहीं है खाने में। ओके ओके है, तो अगर आप राम झूले के पास है ना, राम झूला पार करके अगर चोटी वाले पे खाते हो तो क्योंकि ही खाना है, खाती कोला नहीं खाते, और जब मैं कड़ी नहीं खाता तो क्या दिक्कत है, खाता है क्यों नहीं खाता, कब खाई कड़ी, अभी भी नहीं बार खाई है तूने, चल बकवास ना कर फालतू। भाई राम झूले पे हो रहा मम्मी पापा का प्री वेडिंग शूट, प्रभात वशिष्ठ ऑफिशियल स्पॉन्सर्ड बाय बिग ड्रीम स्टूडियो, आप देख सकते हैं भाई माहौल है भाई पहाड़ों का भी, देखो भाई अब यहाँ से दिखेगी तो मैं भागती हुई एक आत्मा। यही तक रखते हैं, अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, मतलब जो भी तुम्हारी लाइफ में बंदे क्या कर देना, उन सब के साथ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, करवा देना सॉरी उनसे करवा देना, और उनके फोन लेके भी कर देना, 10,000 करा दो जल्दी से प्लीज, बाय बाय।